गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आपको इस ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स सब कुछ फुलफिल हों। ये साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए। तो मैं संगीता आंटी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ और आप अपने जीवन में सक्सेस, हैप्पीनेस, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले, तो वो आपको कैसे मिले उसके बारे में पहले चर्चा करूँगी, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे एक कौवे ने अपने जीवन में वो पाया जो वो चाहता था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे आपने सुना है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जो भी आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे अवश्य आता है। तो जीवन के भी कुछ नियम हैं, जीवन जीने के नियम होते हैं, जीवन में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो नियम का अगर हम पालन करें तो हमें वो मिलने लगता है जो हम चाहते हैं आसानी से, इजीली। तो शुरू करते हैं जीवन के बारे में, इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जीवन का वह नियम जो हमें अनेबल करता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। तो आप सब ने थर्स्टी क्रो की कहानी तो सुनी ही होगी। जो क्रो था, जो कौवा था, बहुत प्यासा था और वो उड़ रहा था और पानी ढूंढ रहा था। तो उसने देखा कि पानी जो है एक छोटे से बोल में है, पर लेकिन बोल जो है उसका तल में पानी था और उसकी चोंच वहाँ तक नहीं जा पा रही थी। तो हमारे कौवे राजा ने कोशिश करी अपनी बीक से, अपनी चोंच से पानी पीने की, पर उसका बीक वहाँ पहुँच नहीं पाई तो बेचारा परेशान हो गया। पर उसने यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जीवन का नियम को पालन करते हुए उसने सोचा कि पानी तो मुझे पीना है, तो मैं क्या करूँ। तो पानी पीने के लिए उसने कोशिश, एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मैं पानी कैसे पी सकता हूँ। उसका सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा मेंटल एनर्जी पानी पीने में थी। तो उसके दिमाग में आइडिया आया। पास में उसके पत्थर रखे थे, तो उसने छोटे छोटे पत्थरों को पकड़ा और अपने बीक से, अपनी चोंच से लेके एक एक पत्थर पानी के बोल में डाल दिया। अब एक पत्थर डालता, थोड़ा सा पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता। ऐसे उसने मेहनत करके एक एक पत्थर ला के उस बोल में डाल दिए। उसको पानी पीना था, उसका फोकस था पानी, उसका गोल था पानी पीना है, प्यास मिटानी है। उसने और कुछ नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। उसके दिमाग में एक ही फोकस था, पानी पानी पानी। तो उसने पूरी शक्ति, पूरी ताकत अपने गोल को प्राप्त करने में लगा दी और उसका जो बोल था ऊपर, पानी का लेवल ऊपर आ गया उस बोल में और उसने अपनी प्यास को तृप्त कर लिया। पूर्ण रूप से वो पानी पी के तृप्त हो गया और वो शांत हो गई उसकी प्यास। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, जो हम जीवन में चाहते हैं वो हमें आसानी से मिल सकता है। हमें डाउट नहीं करना चाहिए, हमें मन में ऐसे भाव नहीं लाने चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान है, मुझे इस काम को करना है। ऐसे भाव लाने पे आपको जीवन रास्ते दिखाते चला जाता है। आपका दिमाग, आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आप अपने माइंड से, अपनी माइंड पावर से, अपने मन की शक्ति से, अपने दिमाग की शक्ति से आप वो प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो आपको उस कौवे की तरह से बनना है जो अपने गोल पे फोकस्ड है, जिसके मन में कोई डाउट नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मैं कैसे करूँगा, बस मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे पानी पीना है तो पानी ही पीना है। और अगर आपको
पढ़ाई में फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आना है। इसमें आपको मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं आ पाऊँगा, कंपटीशन ज़्यादा है, मुझसे नहीं होगा, सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, कैसे करूँगा, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती। ये सब बातें फिजूल की हैं। इन सब बातों में अपने दिमाग ही नहीं लगाना है। अपना माइंड का फोकस अपनी पढ़ाई में रखिए कि आपको इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से याद करना है और ये आपसे होगा ही होगा, इसे करना ही करना है। तो आपको ऐसे तरीके मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से अपना याद कर पाएंगे। तो इसको अपने ध्यान में रखना है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में अप्लाई करने लगेंगे तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने लगेगी। आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी एम्बिशंस पूरी होने लगेंगी। ज़्यादातर बच्चे जो बिल्कुल टॉप पर आते हैं वो ऐसा ही करते हैं, उनका अपना फोकस गोल पे ही होता है। तो आप उस थर्स्टी क्रो की तरह से बनिए। आपको थर्स्टी होना चाहिए अपने गोल के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी एम्बिशन के लिए, जो आप चाहते हैं जीवन में। तो दोस्तों, आगे मैं आपके लिए और मज़ेदार कहानियाँ लाऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और आप उनको सुनना, आपको मज़ा आएगा और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में परफेक्ट हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आज से ही फॉलो करना, मन में भाव लेके आना कि मेरा ये काम होगा ही होगा, मुझे किसी भी तरह से इस काम को करना है, मेरे को अपने गोल अचीव करने हैं, मेरे अंदर पूरी क्षमता है इस गोल को अचीव करने की और मैंने इस गोल को अचीव ही करना है और मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मुझसे होगा। थैंक यू बच्चों, और आप चाहो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे 9811142249। थैंक यू।